गढ़चिरौली जिले में नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए काम कर रही पुलिस के लिए जिले में ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को लेकर उठे सवाल पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला नियोजन समिति के अधीन गढ़चिरौली के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें पुलिस के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी समावेश है। नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ सरकार जिले में विकास कार्यों को लेकर भी कटिबद्ध है। सोमवार को गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और जिले के पालक मंत्री ने गढ़चिरौली का दौरा किया। यहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली बड़ी सफलता के लिए सभी को बधाई दी गई। नागपुर लौटकर उन्होंने एनकाउंटर में जख्मी हुए C-60 के चारों जवानों से मुलाकात की। ADG भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और IG छेरिंग दोरजे ने उनकी अगुवाई की। वर्ष 2016-17 में नक्सलियों द्वारा अपनी गतिविधियां चलाने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन MMC जोन तैयार किया गया। इसी तर्ज पर पुलिस की कोई समिति और समन्वय नहीं होने के बारे में पूछने पर पाटिल ने कहा कि तीनों राज्यों में समन्वय केंद्र सरकार के अधीन किया जाता है। समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। ऐसा नहीं है कि तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों का समन्वय नहीं होता है। इसी बीच मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गढ़चिरौली पुलिस और C-60 के जवान बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मिलिंद तेलतुंबड़े के साथ 26 नक्सलियों का खात्मा होने से केवल राज्य ही नहीं पूरे देश की बड़ी घटना है। इसे नक्सलियों को बड़ा धक्का लगा है। जख्मी जवानों का उपचार जारी है और सभी के स्वास्थ्य में सुधार है। जिले में केवल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है, सभी तरह का विकास करने की योजना है। केवल पुलिस के लिए ही नहीं, जिले की जनता को भी इसकी सुविधा मिलेगी। मूलभूत सुविधाएं हर तबके तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भटके लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जिले का विकास जरूरी है।